अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के उपलक्ष्य में 3 दिसंबर को बेठूर में स्थित ज्योति बाधिर विद्यालय में दिव्यांग एवं अन्य बच्चों के बीच खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कानपुर हेरिटेज राउंड टेबल 125 और कानपुर हेरिटेज लेडीज सर्किल 88 ने इस 2 दिन के कार्यक्रम का आयोजन किया और मेडल सर्टिफिकेट ट्रॉफी और खान पान के साथ सभी बच्चों को हौसलाफजाई की। सभी बच्चों ने पूरे जोश और जुनून के साथ हिस्सा किया। ज्योति बधिर विद्यालय के दिव्यांग बच्चों ने ज्यादातर प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता। प्रतियोगिता में कानपुर हेरिटेज राउंड टेबल के अध्यक्ष है साहिब शेट्टी, अध्यक्षता रंजिता बंसल, उपाध्यक्ष है तन्मय गुप्ता, ज्योति बधिर के संस्थापक रमेश चंद्र दीक्षित और प्रिंसिपल रामदास पाल मौजूद रहे। सभी का मानना है कि बच्चों की मानसिक सेहत और विकास के लिए खेलकूद बहुत अहम भूमिका निभाते हैं और इसीलिए इस कार्यक्रम को हर साल आयोजित किया जाता है। कानपुर संवाददाता मोहम्मद सदाब की लाइव रिपोर्ट।